श्रीवास्तव एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ हेलमेट द बाइकर। लेट्स वर्शिप द माउंटेन्स। आज कुछ नया है, क्या है? कैसन CN6। ये कैमरा मुझे कैसे मिला? सो द स्टोरी बिहाइंड दिस इज कि मुझे कैसन की तरफ से व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर विल प्लीज़ गिव अस द फीडबैक ऑफ योर कैमरा। सो मैंने उनको बहुत ही डीपली रिग्रेट के साथ बोला कि सर आई एम रियली सॉरी दैट आई कॉन्ट प्रोवाइड द फीडबैक राइट नाउ बिकॉज आई डोंट हैव द कैमरा। हाँ, लेकिन जो अभी तक मैंने अपना राइड किया है मुस्तांग का और जो भी मतलब मैंने उस कैमरे से वीडियो बनाया है उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि अकॉर्डिंग टू द बजट, अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ द मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन द एक्शन कैमरा, आपका कैमरा रियली ऑसम है। 10,000 के बजट में ये कैमरा, ये कंपनी आपको सब कुछ दे देती है। आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना माउंट्स खरीदने की ज़रूरत है, ना माइक खरीदने की ज़रूरत है, ना बैटरी चार्जर खरीदने की ज़रूरत है और ना ही एक्स्ट्रा बैटरी। चाहिए अभी ओपनिंग करेंगे इसकी। देखो भैया, ऐसा है ना कि टाइम थोड़ा है हमारे पास कम, क्योंकि ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो ना, इस बैकग्राउंड के लिए मुझे बेलने पड़े हैं पापड़। चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब ये खूबसूरत सी चीज़ है तो खूबसूरत बैकग्राउंड भी होना चाहिए। खूबसूरत सा मैं हूँ तो बैकग्राउंड भी खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत से आप हो तो बैकग्राउंड भी खूबसूरत होना चाहिए। हर चीज़ के लिए बैकग्राउंड खूबसूरत होना चाहिए। मैं भी कुछ भी बोलता हूँ, बड़ा हरामी हो बेटा। है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत प्रीमियम सी पैकिंग और इसके अंदर है हमारा कैमरा। सबसे पहले कैमरा को निकाल लेते हैं। जो मेन मुद्दे की चीज़ है वो यही है भाई, बट इसके साथ बहुत सारे माउंट्स मिलते हैं जो एक्शन कैमरा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये दो बॉक्स जिसमें इज अ कैमरा गिरना मत यार। मुद्दे तो बाद मिले हो भाई, तुम्हारा भाई था मेरे पास, वो गायब हो गया। एंड आई होप ही इज़ द CEO ऑफ कैसन, या आई थिंक सो, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो ना, सुनर मेरे भी वीडियोस मिलेंगे वहाँ पे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो एक्शन कैमरा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो एक्शन कैमराज को तो थोड़ा बहुत आप एक बार ग्रोथ कर। मोबाइल नहीं चलेगा, मोबाइल है, ये मोबाइल। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो पहले अपना सामान रखिए, उसको उसमें से निकाल दीजिए, खींचिए, कोई दिक्कत नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसमें देखते हैं अपने क्या क्या है। तो ये होता है स्टिकनेस के लिए, आपको कहीं भी माउंट स्टिक करना है तो आप इसको स्टिक कर देते हो और इसके ऊपर आपका माउंट लग जाता है। लाइक ये जो है ना, ये लग जाएगा। फिर ये आपका टाइटन करने के लिए सेम चीज़, और ये आपका छोटा सा ट्राइपॉड होता है। ओपन करके दिखा देता हूँ मैं, लेकिन ओपन इट, आपका एक छोटा सा ट्राइपॉड हो जाएगा। तो कहा था ना मैंने कि आपको मोस्टली चीज़ें मिल जाएंगी। ये रिमोट कंट्रोल होता है, मैं इसको बहुत यूज़ करता था, इनफैक्ट किया हूँ अपने मुस्तांग राइड पर, बहुत ही ज़्यादा काम आता है ये। आपको बार बार अपने हाथ से अपना अपने गोप्रो के पास अपना उंगली ले जाके स्टार्ट नहीं करना पड़ता आपके। आप इसको अपने मोटरसाइकिल अगर यूज़ कर रहे हो आप तो बाइक के आपके हैंडल पर लगा दो। फिर ये भी माउंट्स ही हैं। ये आपका जो वाटर केस कवर होता है उसके लिए होता है पीछे का, अगर आपका टूट जाता है तो आप यूज़ कर लो इसको दोबारा। अगेन माउंट, टाइटन करने के लिए बैटरी चार्जर, ड्यूअल बैटरी चार्जर सपोर्ट मिलता है आपको, दो दो बैटरी भी मिलती हैं आपको। अगेन दिस इज़ अ जे माउंट मोटो व्लॉगर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दिस इज़ ऑल्सो क्या कह सकते हैं इसको, दिस इज़ ऑल्सो केस, आप अपने कैमरा केस में लगा लो और मोटो व्लॉगिंग में ये कॉस्ट यूज़ होने वाला है। जे माउंट पे यही लगता है, इसके अंदर कैमरा फिट हो जाता है एंड योर कैमरा विल बी सिक्योर्ड। आप अपने वाइजर पे इसको ऐसे लगा सकते हो और वहाँ पे अपना कैमरा लगा सकते हो। दिस इज़ योर माइक अडेप्टर, आपका माइक अडेप्टर है ये। अगेन अ टाइटन माउंट, अगेन अ टाइटन माउंट, बहुत सारे माउंट्स मिलते हैं भाई। और ये आपकी एक बैटरी, प्यारी सी छोटी सी।
सेकंड वाले में आपको मिल जाता है माइक, प्रीमियम क्वालिटी का माइक मिलता है कैसन की तरफ से। आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपको साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है तो आफ्टर मार्केट और भी बहुत सारे माइक्स आते हैं, कोई भी ले सकते हो आप। चार्जिंग के लिए है, ये चार्जिंग केबल कह सकते हैं आप। और ये है आपके बहुत सारे टाइटन करने के लिए, स्टिकनेस के लिए, और ये साफ करने के लिए। फिर से आपको ये टाइटन करने के लिए स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। अगर आपको अपने बाइक के हैंडल पे अगर लगाना है तो ये यूज़ होगा, और आप इसे देखने वाले हो मेरे अपकमिंग व्लॉग्स में, क्योंकि ये यूज़ होने वाले हैं। तो आप खुद बताओ कि 10,000 के बजट में एक अच्छे क्वालिटी का 4K 60 FPS सपोर्ट करने वाला आपका एक एक्शन कैमरा, उसके बाद से इसमें अच्छा EIS है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है। आप मेरे अभी मैं अपने कुछ क्लिप्स डालूंगा इस कैमरे के, जो मैंने मुस्तांग राइड में और काठमांडू राइड में यूज़ किया है इस कैमरे को, तो उसके जो गंदे जो ऑफ रोड आए थे ना, मैं उसके क्लिप्स डालूंगा, आप देखो इसका इमेज स्टेबलाइजेशन। अभी चूँकि मेरे पास इसका SD कार्ड नहीं है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो मेरा नेक्स्ट अपकमिंग जो व्लॉग है एवरेस्ट बेस कैंप का, आपको वहाँ पर ज़रूर दिखेगा इसका यूज़। और आई मीन व्हाट एल्स डू यू नीड, एवरीथिंग यू आर हैविंग विद दिस कैमरा, माइक। आप अगर GoPro लेते हो, मैं GoPro की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कैमरा होता है, बट अगर आप GoPro लेते हो तो बस आपको GoPro नहीं लेना है, आपको अगर लेटेस्ट आप GoPro लेते हो तो आपको आप उसके साथ मीडिया मोड लेना है। मीडिया मोड अप्रॉक्सीमेटली 8,000 से 10,000 का आता है, सिर्फ आपके ऑडियो के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। फिर उसके बाद से आपको अच्छी क्वालिटी का माइक भी लेना है, उसके बाद से आपको अगर बैटरी चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर भी लेना है, अलग से बैटरी भी खरीदनी है, ट्राईपॉड अलग से खरीदना है, सब कुछ। मतलब आपको बस एक कैमरा देता है GoPro, बाकी आपको सब कुछ खुद खरीदना है। यहाँ पे 10,000 में आपको सब कुछ मिल रहा है। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि उस लेवल का जो GoPro जो इमेज क्वालिटी देता है 5K या फिर जो भी इमेज क्वालिटी देता है, वो तो आपको यहाँ पे शायद नहीं मिलेगा, बट 10,000 के बजट में आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। आप मेरे मुस्तांग और काठमांडू के व्लॉग्स प्लीज़ देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैमरा किस क्वालिटी का वीडियो देता है। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, अगर आपका बजट टाइटन है तो इस कैमरे से आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग यू वांट इन दिस बजट। फ्रंट पे आपको कैमरा तो ओपन कर ले भाई, जो मेन चीज़ है वो तो ओपन ही नहीं की, वाटर केस में ही डाला रह गया। तो ये हो गया आपका वाटर केस कवर, इसमें डाल लो, उसके बाद से पानी की कोई झंझट नहीं। हाँ, जब आप वाटर केस कवर लगाए रहते हो तो आप ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। सो ये है आपका छोटू सा टिंगू सा कैसन। और काफ़ी प्रीमियम सी बॉडी होती है इसकी, मतलब फील आता है टच करने में, ये स्लिपी नहीं है कि आपके हाथ से स्लिप हो जाए, मैट है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको 4K HD का ब्रांडिंग मिल जाएगा कैसन का, यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगा आपको। ऊपर यहाँ पे जो बटन्स होते हैं इससे आप ऑन ऑफ करते हो कैमरा को। और ये होता है फ्रंट स्क्रीन, बैक स्क्रीन, तो दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। फ्रंट स्क्रीन आपका जब आप सेल्फी ऐसे करके वीडियो बनाते हो ना लाइक दिस, तो ये बहुत काम आने वाला है उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप दिख भी रहे हो कि नहीं कैमरे में, तो आप कहीं स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहे हो। सो थैंक यू सो मच कैसन। और नीचे आपकी बैटरी लग जाती है ऑलरेडी, इसमें देखो एक बैटरी पड़ी हुई है और एक बैटरी हमारे सामने है कागी, ये। सो दो दो बैटरी मिल जाती हैं।